हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया वर्तमान में भारत में कौन क्या है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एसएससी रेलवे बैंक्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति कौन है। ये तो हम सभी जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद, ये भारत के राष्ट्रपति है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये भी हम सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो भारत के उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो भारत के सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी कौन है। भारत के महान्यायवादी कौन है, इसका आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल, ये भारत के महान्यायवादी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है कौन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो वह है राजीव महर्षि, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वह है रंजन गोगोई, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, तो उनका नाम है सुनील अरोड़ा, ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। भारत की मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो उनका नाम है सुधीर भार्गव, ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो उनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो उनका नाम है अजीत डोभाल, ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। भारत की महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है रेखा शर्मा, ये भारत की महिला आयोग के अध्यक्ष है। भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा महाजन, ये भारत की लोकसभा के अध्यक्ष है सुमित्रा महाजन। भारत के लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है। भारत के लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है एम थंबी दुरई, ये भारत के लोकसभा के उपाध्यक्ष है एम थंबी दुरई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लोकसभा के महासचिव कौन है। भारत के लोकसभा की महासचिव कौन है, तो उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव, ये भारत के लोकसभा के महासचिव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्यसभा के सभापति कौन है। भारत के राज्यसभा के सभापति कौन है, तो उनका नाम है वेंकैया नायडू, ये भारत के राज्यसभा के सभापति है वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्यसभा के उपसभापति कौन है। भारत के राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह, ये भारत के राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की नौसेना के अध्यक्ष कौन है। भारत की नौसेना के अध्यक्ष कौन है इंडियन नेवी के, तो वह सुनील लांबा, इंडियन नेवी के अध्यक्ष है सुनील लांबा।
भारत की थल सेना के अध्यक्ष कौन है? भारत की थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है विपिन रावत। भारत की थल सेना के अध्यक्ष है विपिन रावत। भारत की वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो भारत की वायुसेना के अध्यक्ष है बीएस धनोआ। भारत के वायुसेना के अध्यक्ष है बीएस धनोआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान भारत के वित्त सचिव कौन है? वर्तमान भारत के वित्त सचिव कौन है? तो वो है अजय नारायण झा। वर्तमान भारत के वित्त सचिव है अजय नारायण झा। वर्तमान भारत के राज्य सचिव कौन है? तो वर्तमान भारत के राज्य सचिव है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे वर्तमान भारत के राज्य सचिव है। और भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? भारत की रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है विनोद कुमार यादव। भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एनके सिंह। अगला क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है उनका नाम है अशोक कुमार माथुर। ओके फ्रेंड्स, तो ये था वर्तमान में भारत में कौन क्या है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी डेली वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर डेली विजिट करें।